प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने कर रहे थे मॉडल। देखो मॉडल में काफी हद तक हो गया, अब आपको कई चीजें रह गई, छोटी मोटी चीजें। मैं एक एक को लेता हूँ। जैसे भाई अपने कैन से लिया था, कैन बता दू आपको, कैन जैसे कैन में क्या क्या था, कैन जो मॉडल था उसमें क्या क्या था, कैन था उसमें नंबर एक एबिलिटी, एबिलिटी योग्यता, नंबर दो कैपेसिटी, नंबर तीन जनरल पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी। ये अब देखो एक है इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन इसका नकारात्मक था, ये ही आपके के प्रोहिबिशन में आ गया था। इसमें प्रोहिबिशन में दो चीजें थी, प्रोहिबिशन क्या होता है, निषेध, निषेध दो चीजों से था। पीछे था एक तो कैन से, एक तो था कैन नोट या कांड, एक ही बात है कांड, एक मस्ट नोट, एक था मस्ट नोट। ये था प्रोहिबिशन। देखो एबिलिटी क्या था, एबिलिटी था जो अपने सीखी हुई चीज होती है, जैसे सीखी हुई आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, एबिलिटी है मेरी। आई कैन ड्राइव ए कार, मैं एक गाड़ी को चला सकता हूं, सीखा हुआ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख सकता हूं। तो यह है जो चीज सीखी हुई है, सीखी हुई है वो है आपकी योग्यता, एबिलिटी योग्यता। तो यह किससे बताई जाती है, कैन से, ठीक है। इसके बाद में कैपेसिटी, कैपेसिटी वो होती है जिसमें ताकत, ताकत हो, स्ट्रेंथ हो, क्षमता हो, उसको अपने एबिलिटी कैपेसिटी कहते हैं, क्षमता शक्ति जिसको कहते हैं। जैसे मैं 20 किलो भार उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट 20 किलो वेट, मैं 20 किलो भार उठा सकता हूं। अब इसमें इसके अलावा नकारात्मक, ये नकारात्मक भी हो सकती है, कैसे नकारात्मक, के नोट से नकारात्मक, नेगेटिव एबिलिटी,
या जिसको कहते हैं अब्सेंस ऑफ या अब्सेंस ऑफ एबिलिटी। नेगेटिव कैपेसिटी, मैं नहीं कह सकता आई कैन नॉट, उसके साथ पर जो आपने बोटल वर्ब आया ना उसके बाद में नॉट लगा दे तो नेगेटिव नेगेटिव हो गई, जो आपकी योग्यता थी वो नहीं है, मैं नहीं कह सकता, इसका मतलब मेरा सीखा हुआ नहीं है। आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं कह सकता। आई कैन नॉट ड्राइव ए कार, मैं एक गाड़ी नहीं चला सकता, इसका मतलब मेरा सीखा हुआ नहीं है। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता। तो ये है क्या हो गई इसमें अब्सेंस ऑफ एबिलिटी, और ये अब्सेंस ऑफ एबिलिटी हो गई, और मैं 50 किलो भार नहीं उठा सकता। आई कैन नॉट लिफ्ट 50 किलो वेट, मैं 50 किलो भार नहीं उठा सकता। तो इसका मतलब अब्सेंस किसकी हो गई, कैपेसिटी, वो क्या थी जो सीखी हुई चीज थी, क्या वो एबिलिटी थी, तो उसकी अब्सेंस हो गई थी, जो कई मेरी सीखी हुई नहीं है, अरे ये मेरे में इतना ताकत नहीं है, कैपेसिटी ताकत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों साथ साथ होती है। कैसे, मैं मेरा 13वां मतलब सीखा हुआ है मगर मेरे को कह दिया आप ऐसे लगे डीडवाना तक तैर लो, तो सीखा हुआ तो है, एबिलिटी तो है मगर उसमें मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो एबिलिटी और कैपेसिटी कई बार दोनों साथ मौजूद होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो कई बार ऐसा होता है दोनों साथ में, सीखी भी तो है मगर इतनी कैपेसिटी नहीं है। कब मैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मगर बोल सकता हूं, मगर वही है कोई विद्वान आदमी हो उसके सामने इंग्लिश बुलवाए तो नहीं बोल सकता, क्यों, उतनी नहीं सीखी हुई जितनी बोलनी चाहिए। तो है एबिलिटी तो है मगर उतनी, या आप उतनी बोल नहीं सकता, बोलने की आदत नहीं, तो कैपेसिटी नहीं। तो ये आपके थी एबिलिटी और कैपेसिटी। जनरल पॉसिबिलिटी, मैंने आपको बताया था ऐसी पॉसिबिलिटी जो जिसे अपने बच नहीं सके, जो 100% होती है, अपने कोई जीव जन्म लेता है तो वो मरता है, उसकी मरने की पॉसिबिलिटी कितनी है 100%, तो उसको कहते हैं जनरल पॉसिबिलिटी। ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें बचाव नहीं हो, मतलब 100% पॉसिबिलिटी, तो वो होती है जनरल पॉसिबिलिटी। एक है इनफॉर्मल परमिशन, परमिशन दो प्रकार की होती है, एक तो अपने केवल काम निकालने के लिए ऐसे होती है, लेते नहीं परमिशन है, वैसे तो अपने मम्मी पापा से खाना खाते हैं, मैं खाना खा लूं, मगर ये उसमें ये आपकी इनफॉर्मल परमिशन है, मैं मम्मी में खाना खा लूं, क्यों, मम्मी ना नहीं करेगी, इसमें ना करने की बहुत कम संभावना होती है। तो इनफॉर्मल होती है जो अपने अपने खास लोग होते हैं उससे इनफॉर्मल परमिशन, जैसे ऐसे लेटर भी हो तो आपके लेटर भी होगा इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, जो औपचारिक इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, हर जगह फॉर्मल और इनफॉर्मल आपके जगह जगह काम आएंगे। इनफॉर्मल वो होता है जो अपनी नजदीकी के लिए होता है, जिसमें ना करने की संभावना बहुत कम होती है, ना होती ही नहीं। छोटा बच्चा कहता है मैं ये टॉफी खा लूं, तो इसका मतलब उसको ना नहीं गए हैं, हाँ खा ले खा, कोई भी किसी पड़ोसी घर पे जाते हैं तो भी वो कोई चीज खाने की जिद कर लेता है तो उसको ना नहीं होती। तो ऐसी पोजीशन जिसमें ना होने की बहुत कम संभावना हो वो क्या है, इनफॉर्मल परमिशन। तो इनफॉर्मल परमिशन लेने और इनफॉर्मल परमिशन देने वो ना क्या बता, इनफॉर्मल परमिशन लेने और इनफॉर्मल परमिशन देने, लेने देने लेने तथा देने में लेने देने दोनों में होती है। इस परमिशन ले भी सकते हैं कभी, क्या कैन आई ईट मैंगो, तो इसका मतलब कैन आई कैन सी हुई है, तो इसका मतलब है कि ना करने की संभावना बहुत कम है, ये इनफॉर्मल है। एक होती है फॉर्मल परमिशन, तो आपके
फॉर्मल फॉर्मल परमिशन होती है मैं से, जैसे अपने आते हैं क्लास में आते हैं मैं आई कम इन सर, ये फॉर्मल परमिशन है, जहां आप नाम भी हो सकते हैं, नहीं आप नहीं आ सकते, बारह हो लेट हो गए बारह हो, कोई जरूरी नहीं कि परमिशन दे दे, तो वो होती है मैं से मैं, तो ये आप ये था जैसे मैं से साथ साथ में मैं से बता रहा हूं, मैं से एक तो फॉर्मल परमिशन लेने तथा देने में, जैसे ये है ना मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूं, यस यस यू मे कमिंग, हाँ आप अंदर आ सकते हो, ये परमिशन फॉर्मल परमिशन, परमिशन लेने और परमिशन देने में फॉर्मल, इसमें आपको हाँ फॉर्मल है औपचारिक है, ये आपके उन लोगों से होती है जो अधिकारी होते हैं या दूसरे अपरिचित आदमी होते हैं, ऑफिस ऑफिस में जाते हो आप वहां परमिशन के बिना गुस्से आते हो, या थाने में जाते हो कई ऐसी मनाही वाली जगह वहां जाते हो, वहां वो फॉर्मल परमिशन होती है, फॉर्मल परमिशन नहीं मिलेगी तो आपको वो मतलब आपको कोई भी वहां सजा भी दे सकता है, फॉर्मल परमिशन वहां जरूरी है, इनफॉर्मल वाली तो है कि अपने पास पड़ोस में हो, अपने ज्यादा नजदीकी हो, परिवार के लोग हो, उसमें केवल केवल अपने दिखावा सा करते हैं कि मेरे को परमिशन चाहिए, लेने की जरूरत नहीं, आपका घर है, आपके कोई परिवार के आपका पड़ोसी है, आपका दोस्त है, नजदीकी दोस्त है, तो वहां आपको इनफॉर्मल परमिशन लेनी और देनी होती है, मगर मैं से फॉर्मल परमिशन और लेनी और देनी होती है, एक तो ये एक में से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इससे क्या थी एक देखो जनरल पॉसिबिलिटी थी, इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये तो सामान्य सम्मान और ये थी प्रबल सम्मान, ये प्रबल सम्मान, तो फॉर्मल परमिशन लेने और देने में, और ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी प्रबल सम्मान, प्रबल सम्मान मैंने आपको कहा था कब होती है, प्रबल सम्मान होती है जैसे बादल आ गया या बरसना चालू हो गया, कही अपने दौड़ के इधर उधर दौड़ के क्या कोई भीगने वाली चीज है तो अंदर रख दो, बारिश आएगी, बारिश की संभावना बहुत ज्यादा है, क्यों पास में या आ गई पड़ोस में दिख रही है अपने आती हुई, मगर कोई जरूरी नहीं है कि वो आई, उतनी संभावना नहीं है जितनी मरने की संभावना है, कब मरता तो आदमी 100% है, जीव मरता है 100% मरता है, मगर बारिश आने की इतनी संभावना नहीं है, हो सकता पड़ोस में आ जाए अपने नहीं आए, तो वो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो ये आपके मेका प्रयोग का हुआ, मेका प्रयोग परमिशन देने में और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है, आपके केयर का प्रयोग का हुआ एबिलिटी में योग्यता में क्षमता में और सामान्य संभावना में, जनरल पॉसिबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन यानी लेने में और देने में, और के नोट का नेगेटिव अब्सेंट या आपकी एबिलिटी अब्सेंट हो जाएगी और कैपेसिटी अब्सेंट हो जाएगी, अब्सेंट ऑफ कैपेसिटी और अब्सेंट ऑफ आपके एबिलिटी, प्रोहिबिशन कोई चीज की मनाही होती है वो फिर से बताओगे के नोट से या मस्ट नोट से, क्या आप यू कैन नॉट गो स्कूल, आप स्कूल नहीं जा सकते, कोई चीज की मनाही हो जाए
आप मतलब कोई यू कैन नॉट टच माय पेन, आप मेरे पेन को टच नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में तो ये आपके इसमें आ गया। अब देखो वैसे मस्त का प्रयोग कहां कहां था, मस्त का प्रयोग कहां कहां था, ऑब्लिगेशन बाध्यता, कंपल्सरी अनिवार्यता, आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी बता सकते हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी संभव, पर्पल संभव, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, प्रबल सलाह, कंपल्शन या कंपल्सरी अनिवार्यता, इसको कंपल्शन भी कह सकते हैं, कंपल्शन भी कह सकते हैं या कंपल्सरी कह सकते हैं, अनिवार्यता, अनिवार्यता या ऑर्डर, कमांड, नेसेसिटी, आवश्यकता, नेसेसरी या नेसेसिटी, आवश्यकता,
certainty. Certainty, निश्चित. कमांडरी ऑर्डर, ऑर्डर के लिए भी काम आता है आदेश. तो देखो मस्ट का प्रयोग बहुत है, मस्ट का प्रयोग बहुत है. और मस्ट बाध्यता को व्यक्त करता है, मतलब बाध्यता. एक तरह से देखो मस्ट है ऑब्लिगेशन, बाध्यता मतलब आप पे दबाव है. दबाव भी दो प्रकार का होता है. दबाव एक तो बाह्य दबाव होता है, एक आंतरिक दबाव होता है. अंदर से दबाव है आपको अनिवार्य है या आंतरिक दबाव है. कैसे है आंतरिक दबाव? आंतरिक दबाव है या तो कानूनी, कानूनी ऐसा है कि नियम बना हुआ है कि उस नियम को आपको पालन करना पड़ेगा. संविधान के नियमों का पालन है, यह आंतरिक इंटरनल इंटरनल ऑब्लिगेशन है, इंटरनल बाध्यता है. आप बाध्य है उसको काम करने, या फिर शरीर के लिए का आपको जरूरी कंपल्सरी या नेसेसिटी है. किसकी? ऑक्सीजन लेने की, श्वास लेना या भोजन खाना नेसेसिटी है. नहीं खाओगे तो मर जाओगे. या इंटरनल है, इंटरनल है ये चीजें, इंटरनल है, इंटरनल बाध्यता है. अपने को कोई बाध्य ऐसा नहीं हो रहा है, अंदर से बाध्यता हो रही है उसमें. तो इंटरनल है आपके, इंटरनल है एक ऐसे बाध्यता इसे मस्त से होती है. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कहाँ होती है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वहां होती है आपके कोई साथी है छुट्टी आया हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा संभावना है कि वो आपसे मिलने आए. कि वो ही मस्ट कम हियर टू मीट मी, कि वो मुझसे मिलने निश्चित रूप से आ सकता है. बहुत ज्यादा संभावना है छुट्टी आया हुआ है इस वजह से. तो ऐसी पोजिशन में आपके क्या हुई कि आपके स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो गई उसके मिलने की आने की. क्यों? छुट्टी आया हुआ है, वरना तो कम थी मगर छुट्टी आया हुआ है. स्ट्रॉन्ग एडवाइस, किसी को सलाह देते हैं सलाह, स्ट्रॉन्ग एडवाइस कहता है आप ऐसा करो. एक तो होती है सुन से होती है, वो नॉर्मल एडवाइस होती है. जैसे आप ऐसा कर लो, आपको घूमना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए. एक वो होता है कि आपको जैसे कोई खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, बीमार हो गया खाना नहीं खाया, अरे आपका आपको खाना खाना चाहिए, खाना खाओ. आपको एक तरह से स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं कि आप खाना खाओ, वरना तो आपकी बीमारी दूर कैसे होगी. आप टेबलेट ले रहे हो तो टेबलेट नहीं ले पाओगे. तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए होता है. कंपल्सरी और नेसेसिटी. जैसे आपके कंपल्सरी कैसे, आपको 5% 10 में से 5% करने अनिवार्य है. उसमें एक तरह से रिटर्न लिखा हुआ होता है कि आपको ये आपको अटेम्प्ट एनी, यू मस्ट अटेम्प्ट एनी 5% आपको 5% कोई 5% करो अनिवार्य है, नेसेसरी है. तो ऐसी स्थिति में ये होता है. सर्टेनिटी, सर्टेनिटी भी इसमें थोड़ी ये भी है संभावना. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी एक सी है. ऑर्डर आदेश देने में कई बार आदेश ही अपने कह देते हैं यू मस्ट गो 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 आउट, आपको बाहर जाना चाहिए, एक तरह से आदेश. तो ऐसी पोजिशन में यह काम आ सकता. तो मस्ट का उपयोग मैंने बताया था. पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट दो चीजों से थी. एक तो कुंड से और दूसरी थी वुड से. इनसे पोलाइट रिक्वेस्ट होती. ये यदि पहले आ जाए प्रश्न, जैसे प्रश्न बना हुआ वैसे ये
पर्सन कैसे बनता है मोटल वर्ब? पर्सन बनता है मोटल वर्ब होती है उसको शब्द से पहले ले आए, ठीक है ना, मोटल वर्ब को शब्द से पहले ले आए और आखिर में पर्सन वाचक चिन्ह लगाए तो पर्सन पर्सन बनता है। मगर यदि वुड और वुड से पर्सन बनता है तो वो पर्सन वाचक नहीं है, वो आपके पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू टेक ए कप ऑफ टी? क्या आप एक कप चाय का लोगे? वुड यू टेक ए कप ऑफ टी? क्या एक आप कप चाय का कप लोगे? तो ये आपके क्या पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है। यह किस किस का बात है? एक तो सजेशन है, सुझाव, सुझाव के लिए। दूसरा एडवाइस, सलाह के लिए। मोरल, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के लिए। मॉरल ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन, काउंसिल, काउंसिल परामर्श के लिए। परामर्श के लिए तो क्या काम आया? मॉरल ड्यूटी के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, परामर्श के लिए। ये शुड और ओट टू। जैसे यू ओट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, जैसे क्या हो गया, यू ओट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, आपको अपने बूढ़े मां बाप की सेवा करनी चाहिए, हो गया ना। वी ऑट टू बी ए गुड सिटीजन, वी ऑट टू बी ए नहीं होना, यू ऑट टू बी ए गुड सिटीजन, हमें एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, यह अपनी मॉरल ड्यूटी है। वी जैसे सुर से
वी शुड हेल्प अवर फ्रेंड्स। हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड। फोर बेस्ट मार्क्स। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए कठिन परिश्रम करनी चाहिए। तो ये आपके कर्तव्य मॉरल ड्यूटी या आपको सलाह एक तरह से सलाह भी देने के लिए यू शुड टेक फूड एट टाइम। आपको समय पर भोजन लेना चाहिए। तो यह आपको सलाह या किसी से परामर्श के लिए सलाह के लिए आपको सुन का प्रयोग या ओटू का प्रयोग होता है। तो मस्त का प्रयोग हो गया। एक आपको एक चीज रह गई आपको जो एक्सटर्नल बात देता हूं जो किसी से बताई जाती है एक्सटर्नल वो तो थी मर्स थी इंटरनल बात देता थी। एक होता है एक्सटर्नल बाहरी बात देता बाहरी जैसे आपकी बाहरी बात देता आप स्कूल नहीं आते हो इच्छा नहीं है मगर घरवाले जबरदस्ती निकाल लेते हैं वो आपकी बाहरी बात देता है। आंतरिक बात देता नहीं है। आंतरिक बात देता तब होती आपके पेट दर्द हो रहा था आप आ नहीं पा रहे आपकी आंतरिक बात देता है आना चाहते हैं आप मगर आ नहीं पा रहे हैं मगर ये है वो एक्सटर्नल बाध्य था। एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन बाह्य बाध्य ये किसे बताई जाती है हेड टू हेड टू विल हेड टू will have to या say have to isn't it जैसे देखो स्टूडेंट have to take examination यह बारी बार देता देखो स्टूडेंट्स have to take examination student bahuvachan hai to have to take examination ये बात देता है बारी बात देता है आपको परीक्षा देनी पड़ेगी ये बात देता है बारी बात देता है ए स्टूडेंट हैव टू पुट ऑन यूनिफॉर्म ए स्टूडेंट देखो हे जाया है ए क्वेश्चन है तो ए जाया है ए टू पुट ऑन पुट ऑफ यानी पहनना पुट ऑन पुट
और पहनना, यूनिफॉर्म पोशाक ड्रेस, एक स्टूडेंट को ड्रेस पहननी पड़ती है, पड़ती है, मजबूरी है, विद्यार्थियों को परीक्षा देनी पड़ती है, बारी बात देता है, एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन, बारी बात देता है। जैसे पीछे की बात देता हो तो उसमें हेड आ जाता है पास्ट, पास्ट के लिए हेड होता है। देखो इन ओल्डन डेज पुराने दिनों में वी हैव टू ट्रेवल ऑन फुट, वी हैड टू ट्रेवल ऑन फुट। पुराने जमाने में हमें पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, आगे का हो जैसे फ्यूचर का कि एक्शन ऑब्लिगेशन हो। आई शेड हैव टू फेस, आई शेड हैव टू फेस, फेस यानी सामना करना है। आई विल हैव टू फेस टफ कंपटीशन, टफ एंड कठिन, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन। फॉर जॉब्स इन फ्यूचर, फॉर जॉब्स इन फ्यूचर, आई शैल हैव टू फेस, मुझे कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम, कठिन सामना करना पड़ेगा, मुझे कठिन सामना करना पड़ेगा, कठिन प्रतियोगिता का सामना, कंपिटिशन है यानी प्रतियोगिता, सामना करने का करना पड़ेगा। किसके लिए? और जॉब्स, जॉब से काम के लिए, इन फ्यूचर भविष्य में। तो यह है बाह्य ऑब्लिगेशन। एक है आपके नीट नोट, आपको नहीं बताया था मैंने नीट नोट, ये भी करवा देते हैं, हो ही गया तो नीट नोट। यह किसके लिए? अब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, अब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। बाध्यता की अनुपस्थिति, बाध्य नहीं आप, या अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन या अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। या अब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन नेसेसिटी, ये अब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता नहीं है। जैसे कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, यू नीड नॉट वियर ए सूट इन होटल, यू नीड नॉट
नीड नॉट वियर, आपको पहनना, वियर एंड पहनना, आपको पहनने की आवश्यकता नहीं है। ए स्वेटर, ए स्वेटर कब है इन होट गई आपको गर्मी के दिनों में पानी को गर्म कर पीने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? अपने आप ही गर्म हो जाता है, यानी बातें तो खत्म हो। आपको कोई किस किस को लाना लेने जाना है, अब उसको आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, वो आ गया, आ गया तो अब आपको या कोई दूसरा चला गया तो आपकी आवश्यकता यानी बाध्यता थी वो खत्म हो गई। आई नीड योर टेक टेबलेट एट आई एम आई नीड योर टेक टेबलेट, मुझे टेबलेट लेने की आवश्यकता नहीं। मुझे टेबलेट लेने की आवश्यकता नहीं, क्यों? एज, जैसा कि आई एम फिट मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे ये काम जब काम करने वाला हो, होने वाला हो, बट क्यों? पहले तो बाध्यता थी कि यू मस्ट टेक टेबलेट, बाध्यता थी, आपको टेबलेट लेनी चाहिए, बाध्यता है, मगर अब ठीक हो गए तो बाध्यता आपकी खत्म हो गई, अब आपका उल्टा हो गया। यू नीड नॉट टेक टेबलेट, मुझे ले टेबलेट लेने की आवश्यकता नहीं, क्यों? एज आई एम फिट, मैं बिल्कुल फिट, भोजन है आप, यू मस्ट टेक फूड, आपको भोजन लेने की बाध्यता, आपको अनिवार्य रूप से, आपको आवश्यक रूप से भोजन लेना चाहिए, वो बाध्यता थी। बाध्यता किसे थी? मस्ट से, मगर यदि बाध्यता खत्म हो जाती है तो आपको नीड नॉट से, यू नीड नॉट टेक फूड, क्यों? आपका पेट भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ है, तो आपको आपकी बाध्यता खत्म हो गई, तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।